भागलपुर के सीटीएस ग्राउंड में ईद की नमाज अदा की गई। मौलाना अंसार साहिब के द्वारा नमाज अदा कराई गई। सीटीएस ग्राउंड में लगभग 30,000 लोगों ने नमाज अदा की। पिछले 2 सालों से कोरोना को लेकर सभी धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक को लेकर नमाज अदा नहीं की गई थी, लेकिन इस बार नमाज में काफी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और देश और दुनिया में शांति को लेकर दुआ की गई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को ईद की बधाइयां देते हुए नजर आए। वहीं शहर के अन्य मस्जिदों में भी नमाज अदा की गई। नमाज के अवसर पर कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने सीटीएस ग्राउंड पहुंचकर लोगों को ईद की बधाइयां दी। श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। सीटीएस मैदान में जुटे हैं, निश्चित तौर पर सबको ईद मुबारक हो। सिर्फ भागलपुर वासी को नहीं, बिहार वासियों देश वासियों को भी ईद की मुबारकबाद देता हूं और ईद की जो सारी खुशियां उनकी मनोकामना अल्लाह ताला और भगवान पूर्ण करे। की गई है पूरे बिहार। सबसे पहले ईद के अवसर पर भागलपुर के सभी वासियों को शुभकामनाएं और हम लोगों ने सभी जगह बल की प्रतिनियुक्ति की है, जहाँ जहाँ भी नमाज होने हैं। अभी हम लोग सीटीएस नाथ नगर के प्रांगण में हैं, यहाँ नमाज अभी जस्ट संपन्न हुआ है और भी कई जगह नमाज होने हैं। अलग अलग टाइमिंग है और सुबह 6 बजे से ही सभी जगह पे मस्जिद और जहाँ जहाँ भी नमाज पढ़े जाने जिन प्रांगणों में, वहाँ पर CIT बजरा और SSB की जो एक कंपनी मिली है भागलपुर ज़िले को, उसको भी लगाया गया है 4 QRT में बांट कर। और हम लोग पूरी तरह तरीके से अलर्ट हैं और हमारा यही प्रयास रहेगा कि शांतिपूर्ण तरीके से सारी चीज़ें हो जाए। थैंक यू सर। भागलपुर के सभी मस्जिदों में आज ईद को लेकर सुबह से ही तैयारियां पूरी कर ली गई थी। समय होते ही हर मस्जिदों में एक साथ ईद की नमाज अदा की गई। कड़ी सुरक्षा के बीच भागलपुर के सभी ईदगाह मस्जिद से लेकर भागलपुर के आसपास के क्षेत्रों में भी नमाज पढ़ी गई। कई नेताओं ने भी ईद की शुभकामनाएं दी। सभी ईदगाह पर ईद की विशेष नमाज अदा करने के लिए हजारों की संख्या में बच्चे बूढ़े जवान इकट्ठा हुए और नमाज अदा की। उसके बाद अन्य मस्जिदों में अलग अलग समय पर नमाज अदा की जा रही थी। एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई देने का सिलसिला शुरू हुआ। श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। मौके पर कहूँगा आज ही अक्कर नगर पे यहाँ पे जो है मुस्लिम भाइयों के द्वारा ईद का नमाज अदा किया गया था और इस मौके पर सभी मुस्लिम भाइयों की ईद की ढेर सारी मुबारकबाद। और हमेशा की तरह हमारा यहाँ के जो नाथ नगर पूरे भागलपुर में दोनों समुदाय के लोग, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, एक साथ त्यौहार को मनाते हैं राम रहीम की तरह। और ये त्यौहार हमेशा मनते रहेंगे, चाहे होली हो, दिवाली हो, चाहे ईद हो, सबको साथ मिल के मनाते हैं। इस त्यौहार का जो उत्साह होता है अलग देखने को मिलता है। आप लोग देख रहे हैं कि कितने उत्साह के साथ ईद को यहाँ मनाया जा रहा है। आपसी भाईचारे और शांति सौहार्द के इस त्यौहार ईद की हम लोग समस्त देशवासियों को ढेरों शुभकामना बधाई देते हैं। हमारे देश में अमन चैन रहे। हम सब भाई भाई की तरह हमेशा हर त्यौहार को, चाहे वो दिवाली हो चाहे ईद हो, इसी तरीके से साथ मिलकर मनाते रहे। क्या आप 10 से 20 हजार रुपए महीना अपने घर पर रहकर कमाना चाहते हैं? तो खोलें मिनी बैंक, अपने एरिया के लोगों को दें बैंकिंग सर्विस। सभी बैंकों का आधार कार्ड से निकासी, ATM से निकासी, सभी कंपनियों के मोबाइल, DTH, रिचार्ज, पैन कार्ड जैसे अनेकों सर्विस। CSP ID के लिए कॉल करें 7726006565 पर।